स्टूडेंट माइसेल्फ प्रीति कोहली विल बी स्टार्ट थीम 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्रीसाइड उपनिवेशवाद और ग्रामीण इलाके ओके नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर यू विल सी व्हाट कॉलोनियल रूल मीन्स टू दोज हु लिव्ड इन द कंट्रीसाइड इस चैप्टर में आप देखेंगे कि क्या मीनिंग है कंट्रीसाइड का या कॉलोनियल रूल का वास्तव में क्या मीनिंग है यू विल मीट द जमींदार ऑफ बंगाल ट्रेवल द राजमहल हिल्स एंड वेयर द पेरीज एंड द संथाल्स लिव्ड एंड देन मोर वेस्ट टू द डेक्कन इन सब से आप इस चैप्टर में मिलेंगे और यू विल लुक ये भी आप देखेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से यहाँ पर अपना राज कंट्री साइड में स्टार्ट किया था एस्टैब्लिश किया था और क्या इम्प्लीमेंटेशन किए किस तरह से वहाँ पर सुधार किया रेवेन्यू टैक्सेस रेवेन्यू पॉलिसीज वहाँ पर लागू की लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया स्टेट में राज्यों में और किस तरह से उन्होंने डिटरमाइन करके जहाँ वहाँ के जो रिचर पर्सन थे और वो किस तरह से वो लोग ग्रो हो गए और ज़्यादा वो उनका राइज हो गया और जो पुअर थे वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गए ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और यहाँ पर वेयर द पीसेंट्स गो व्हेन दे नीड मनी जहाँ पर उनको पीसेंट्स को मनी की नीड होती थी तो वो कहाँ जाते थे आप देखेंगे कि पीपल वर नॉट सब्जेक्ट टू द वर्किंग ऑफ लॉज जो पीपल के पास कोई विषय नहीं था उनको लॉज के को मानने का और यहाँ पर उनका सिर्फ ये विश्वास था कि उनको यहाँ पर अपना वर्क आउट करना है सिर्फ वहाँ पर वो लोग उसके परिणाम के लिए उनको मॉडिफाई किया जाता था यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द सोर्सेज दैट टेल अस अबाउट दीज हिस्ट्री यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ये प्रेजेंट की गई हैं लोगों की यू विल रीड अबाउट रेवेन्यू रिकॉर्ड सर्वे जनरल्स अकाउंट जो वहाँ पर सर्वेयर्स के द्वारा ट्रेवलर्स के द्वारा जो उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी इन सभी को इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे नाउ वी स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक बंगाल एंड द जमींदार एज यू नो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो कॉलोनियल रूल है वो सबसे पहले यहाँ बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया और उससे पहले उन लोगों ने यहाँ पर अपना रिकॉर्ड या अपना रूरल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए सोचा था अपनी रेजिम बनाने के लिए सोचा और यहाँ पर बंगाल में ही उन लोगों ने बहुत समय पहले से ही यहाँ कंपनी का शासन भी स्थापित हो चुका था नाउ वी टेक अवर सब टॉपिक फर्स्ट पॉइंट वन द एन ऑक्शन इन बुर्दवान इन 1797 देयर वॉज एन ऑक्शन इन बुर्दवान प्रेजेंट डे बर्धावन जिसको हम आज बर्धवन के नाम से जानते हैं इट वॉज अ पॉलिसी इवेंट अ नंबर ऑफ महल्स हेल्ड और बाय द राजास ऑफ बुर्दवान वर बीइंग सोल्ड यहाँ पर बुर्दवान में बहुत सारे ऐसे ऑक्शन मीन्स नीलामी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाई जाती है तो बुर्दवान में बहुत सारे ऐसे महल बनाए गए थे जिनको यहाँ पर सोल्ड किया गया था और परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर स्थापित किया गया था 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पर अपना मेजर रेवेन्यू फिक्स्ड कर दिया था जो कि उनको पे करना होता था द स्टेट ऑफ दोज हु फेल्ड टू पे वेंट टू द ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू अगर कुछ वो लोग फेल हो जाते थे तो वो नीलामी में पहुंच जाते थे और इस तरह से सीन देखेंगे तो आप देखेंगे कि राजा ने बहुत सारे इस तरह से ह्यूज एरियाज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था न्यूमरस परचेजर्स कम टू ऑक्शंस एंड द स्टेट वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर इस तरह से बोल्डर वहाँ पर
जितने भी बीटर लोग थे, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, वो सब लोग दूर दूर से आते थे उस नीलामी में भाग लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाते थे। और लेकिन जल्दी ही जो कलेक्टर्स थे उन लोगों ने डिस्कवर कर लिया कि ट्विस्ट वहाँ का टेल और एजेंट्स को राजा के पास यहाँ पर लैंड्स को जो उनके मास्टर थे उनके द्वारा यहाँ पर बोली लगाई जाती थी और 95% वहाँ पर जो काल्पनिक या वहाँ के जो ग्रामीण इलाके थे बनावटी रूप में उनको वो उनसे खरीदते थे और उनको जमींदार के द्वारा बेच दिया जाता था। वाई हैड द राजा फेल टू पे द रेवेन्यू, राजा लोग रेवेन्यू पे करने में फेल क्यों थे? हु वर द परचेजर्स एट द ऑक्शंस, इस नीलामी के परचेजर कौन थे? व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट व्हाट वॉज हैपन इन द रूरल एरिया इन द ईस्टर्न इंडिया एट द टाइम, कौन इस रूरल एरिया या इंडिया में कौन इस सबको इनकी सब घटनाओं को देख रहा था, ये सब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे।